मेरी शिकायत इस पूरे चेंज ओवर से ये है कि इसमें कई डिस्कशंस मतलब व्यापारी को केंद्र में रख के नहीं हो रहे, टैक्सेशन मशीनरी को केंद्र में रखे हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। क्योंकि इतना बड़ा हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, इतनी बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं, और हम हमारे डिसीजन मेकिंग हमारे डिस्कशंस अगर इस बात से इन्फ्लुएंस्ड हैं कि एक, अभी मैं क्रॉस एम्पावरमेंट से अलग हट के बात कर रहा हूं, वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट ऑल्सो, अगर हम ये सोच के कोई लॉ बनाते हैं कि एक ऑफिसर है वो ट्रेडर से कैसा संबंध रखेगा, वो इंडस्ट्री से कैसा संबंध रखेगा, तो हमारा परसेप्शन दूसरा होता है। बट अगर हम इसका पैराडाइम शिफ्ट करें, एंड वी स्टिल हैव टाइम, वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, अगर हम इसको इस पूरे करना यही है, जीएसटी लाना है, एक पूरे पैराडाइम शिफ्ट करके दूसरे पैराडाइम पे खड़ा होकर बात करना शुरू करें कि देश है, देश में व्यापार करना सरकार का काम नहीं है, व्यापार करना व्यापारी का काम है, सरकार का काम उसको एनवायरमेंट एम्बियंस प्रदान करना है, सरकार का काम है कि उसके लिए एक अनुकूल माहौल बना के देती रहे, दैट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, दैट इंक्लूड टैक्सेशन पॉलिसीज ऑल्सो, रेंजिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू टैक्सेशन पॉलिसीज। उस पर खड़े होकर जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि व्यापारी है, उस व्यापारी को अपना व्यापार करना है, एज नजीब जी सेड कि टैक्स मार्केट में खड़े होना है, उसको जाके उसको कम्युनिटी के बीच में जाके अपना व्यापार करना है और साथ साथ टैक्सेशन सिस्टम का भी हिस्सा बनना है। अब उसको टैक्सेशन सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए जो टैक्सेशन सिस्टम चाहिए, वो टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा, उस दृष्टि से इस पूरे जीएसटी एक्ट को, जीएसटी के प्रपोजल्स को देखने की जरूरत है, विच अनफॉर्चुनेटली आई कैन कन्फेस दैट उस एंगल, उस चश्मे से देखने की कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन शायद हम एकमात्र देश होंगे या कुछ देश होंगे जिन्होंने रियल एस्टेट को जीएसटी के उससे बाहर रखा हुआ है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें आने वाले वर्षों में जीएसटी में भुगतने पड़ेंगे। हम क्योंकि मशीनरी के ओरिएंटेड सेंट्रिक थिंकिंग कर रहे हैं तो इसीलिए हमारे पास क्रॉस एम्पावरमेंट का, ड्यूअल एम्पावरमेंट का मुद्दा आता है। इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग आई सेड कि हम इतने बड़े टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स नॉट थिंक ऑन कि किसके पास 30,000 लोग हैं और किसके पास 2,00,000 लोग हैं, लेट्स थिंक ऑन कि इस देश का व्यापारी क्या क्या जरूरत है और उसको सबसे इजिएस्ट वे क्या रहेगा, सबसे इजिएस्ट टैक्सेशन उसके ऊपर विदाउट एनी हैसल, क्या मशीनरी, क्या प्रोसेसेस हो सकती हैं। वह हम लोगों ने गलती की है और हम टेक ऑफ कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से टेक ऑफ कर लेंगे, आई एम क्वाइट होपफुल। लेकिन लॉन्ग रन में अगर हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस बदले नहीं और इस पाइपलाइन को ठीक नहीं किया, ये आगे पेन करेगा, इट विल पेन फॉर एवर, इफ नॉट टुडे टुमारो वी हैव टू फिक्स इट, इट कांट बी टू ड्यूअल कंट्रोल। किसी भी शहर में, किसी भी छोटे कस्बे में, बिकॉज देश का व्यापार सिर्फ बड़े बड़े शहरों से थोड़ी चल रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे रिमोट एरियाज में लगी हुई हैं, वहां के व्यापारी को ड्यूअल कंट्रोल जैसी चीजें ठीक नहीं लगेंगी। ठीक नहीं लगेंगी मतलब उसकी लाइफ को इजी नहीं करने वाली, उसकी लाइफ में और कॉम्प्लेक्सिटी ला सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स आएंगी। दिल्ली में हम लोग जिन प्रैक्टिसेस को करते थे, बिकॉज बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मेरा एक स्कोप है वहाँ बात रखने का, हमने कोशिश की और उसका फ़ायदा ये मिला कि जिस तरह से दिल्ली में 20,00,000 रुपए तक की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, हम लोग उसको रखने में कामयाब रहे, क्योंकि बात तो वहाँ 5,00,000 रुपए की भी होती थी कि साहब 5,00,000, ठीक है सब सारे राज्यों के अपना अपना सोशो इकोनॉमिक डायनेमिक्स है, पर हमारे लिए दिल्ली में ये सोचना मुश्किल है कि हम 20,00,000 रुपए से नीचे के व्यापारी को इस तरह के टैक्स नेट में लेके आएं। दिल्ली जैसी जगह में जहाँ एक छोटे से मार्केट में व्यापार करने के लिए आपको 10,000 रुपए में दुकान नहीं मिल सकती है, 10,000 रुपए पर मंथ पे, आप 20,00,000 रुपए के टर्नओवर का सारा मिलाएंगे, एक आदमी काम करता है तो उसके मिनिमम वेजेस भी उतने हो जाते हैं, तो 20,00,000 तो कहीं भी नहीं है, इससे और ज़्यादा हो सकता था। इसी तरह से 50,00,000 रुपए की जो कंपोजिट स्कीम में हमने अनाउंस डिसीजन लिए, वो कुछ चीज़ों को हम दिल्ली के हिसाब से रखवाने में कामयाब रहे। वट एवर सेड एंड डन, अभी हमने जो किया वी ऑल हैव एग्रीड टू दैट, वट एवर हैज बीन डन, लेकिन असली
चीज़ अब बची है हमारे लिमिट्स कमोडिटी वाइज, वहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है कि वी हैव टू बी वाइज एनफ। उसमें नजीब साहब आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट आपसे भी करूँगा और बाकी सभी से भी मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहा है कि हैव एज लॉन्ग एज पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल डिस्कशंस विद द कम्युनिटी, विद द ट्रेडर्स, विद द इंडस्ट्री, विद द मार्केट्स, अनलेस वील डू रॉन्ग थिंग्स, अदरवाइज वील एंड अप डूइंग रॉन्ग थिंग्स।